subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मनोज पिलपिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ERDO यानी कि एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 13,634 वैकेंसीज निकाली हैं और इनमें 3 पदों पर वैकेंसी निकाली हैं, DEC, BEC और BTT। DEC मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कंट्रोलर, BEC मतलब ब्लॉक एजुकेशन कंट्रोलर, BTT यानी कि बेसिक ट्यूशन टीचर। दोस्तों, ये फॉर्म जो हैं आप 16 सितंबर से 18 अक्टूबर 2018 तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों DEC यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कंट्रोलर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। वहीं BEC यानी कि ब्लॉक एजुकेशन कंट्रोलर के लिए आपके पास BED, NTT, BTC, DED, BPD, BPED और एनी इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। दोस्तों, अगर BTT की बात करते हैं, बेसिक ट्यूशन टीचर की, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कंट्रोलर के लिए 24 से 45 साल उम्र होनी चाहिए। BEC यानी ब्लॉक एजुकेशन कंट्रोलर के लिए 22 से 45 साल की उम्र होनी चाहिए। वहीं BTT के लिए यानी कि बेसिक ट्यूशन टीचर के लिए 21 से 45 साल की उम्र होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं फीस की, तो DEC और BC पोस्ट के लिए जनरल और OBC की 600 रुपये है, ST/ST की 400 और PH कैटेगरी वालों की 50 और PH या और BCC में आते हैं उनकी नील होगी। दोस्तों, वहीं फीस की बात करते हैं BTT पोस्ट के लिए, जनरल OBC की 450 रुपये, ST/ST के लिए 250 रुपये और PH कैटेगरी वालों के लिए 50 रुपये होगी। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों, तो फेज़ 1 में रिटन एग्ज़ाम होगा और फेज़ 2 में मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं हमने वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पर आपको इनके द्वारा जारी किया गया नोटिस का लिंक भी है और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक भी वहाँ पर है। दोस्तों, आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें और अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मनोज पिलपिया चैनल। धन्यवाद।